हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने जो हमारा रीजनिंग का पहला चैप्टर है डाइस, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। आई होप आपकी भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज से शुरुआत करते हैं हम अगला चैप्टर क्लोक की। अगला चैप्टर है हमारा क्लोक। तीन चार रीजनिंग के ऐसे चैप्टर हैं, जैसे एक तो डाइस हो गया हमारा, एक क्लोक हो गया हमारा, और एक हमारा कैलेंडर हो गया। ये रीजनिंग के ऐसे चैप्टर हैं जिनके बिना तो एग्जाम होता ही नहीं। जैसे बिना फॉर्म भरे एग्जाम नहीं होता ना, ऐसे ही यदि किसी एग्जाम में रीजनिंग आ रही है ना और उसमें डाइस क्लोक और कैलेंडर के क्वेश्चन आए तो एग्जाम होता ही नहीं है। नाम अलग हो सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस ऐसे कुछ बोल सकता है, यूनिट बोल सकता है, लेकिन हर एग्जाम में इन तीन चैप्टरों से तो क्वेश्चन 100% बनता ही है। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो हमने देख लिया डाइस, अब अगले चैप्टर की बात करते हैं क्लोक। किसकी बात करते हैं? क्लोक यानी कि घड़ी। ठीक है, और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि घड़ी में क्या देखते हैं हम? समय। और यदि आपका समय अच्छा है तो एग्जाम भी अच्छा जाएगा, और समय खराब, यदि आपका क्लोक वाला चैप्टर खराब तो आपका एग्जाम खराब। तो रीजनिंग पूरी की पूरी आपके भविष्य को निर्भर करती है। समय खराब, यदि आपका क्लोक वाला चैप्टर खराब तो आपका समय खराब, कैलेंडर खराब तो आपके नक्षत्र जो ग्रह हैं वे खराब, ब्लड रिलेशन खराब तो आपका संबंध खराब। तो रीजनिंग आपकी पूरी तरीके से आपको लाइफ को वो करती है प्रेजेंट। ठीक है, तो उसका चैप्टर है हमारा क्लोक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्लोक के चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हमने डाइस में देखा था ना, लिखा था कि हम किन किन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो ऐसे ही हम बात करेंगे क्लोक के बारे में। ठीक है, तो क्लोक में हम सबसे पहले देखेंगे दो सुइयों के बीच का कोण। पहला टॉपिक होगा दो सुइयों के बीच का कोण। पहला टाइप क्या होगा? दो सुइयों के बीच का कोण। अगला होगा हमारा अतिव्यापन। अतिव्यापन जिसे कहते हैं ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। जैसे आपने देखा होगा ना, घड़ी में जब 12 बजते हैं तो दोनों सुई एक जगह आती है, फिर जैसे 2 बजता है तो दोनों सुई एक जगह आती है, फिर 3 बजता है तो 2-3 के बीच में भी दोनों सुई एक बार आती है। जब दोनों सुई एक जगह या एक साथ इकट्ठी होती है ना, तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, या अतिव्यापन, जब दोनों सुई एक साथ इकट्ठी होती है। तो दूसरा टाइप होगा अतिव्यापन। तीसरा टाइप होगा हमारा, जैसे घड़ी खराब होती है ना तो घड़ी तेज या मंद होना। तीसरा होगा घड़ी की खराबी के कारण घड़ी का तेज व मंद होना। घड़ी की खराबी के कारण घड़ी का तेज या मंद होना। दूसरा हम बात करेंगे दिशा पर आधारित क्वेश्चन। दिशा पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, और पांचवा हो गया हमारा जो पिछले एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए भी। तो इन चार पांच टाइप के ऊपर हम एक और बच गया इसमें। पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे वाटर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम। दूसरा देखेंगे मिरर इमेज टाइम, यानी कि जल में समय और दर्पण में समय। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा है, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इन 5-6 चैप्टरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम पूरे के पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा दो सुइयों के बीच का कोण। आज का हमारा टॉपिक होगा दो सुइयों के बीच का कोण निकालना। तो हम आज सीखेंगे क्या? आज सीखेंगे हम दो सुइयों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, Yeah.
तो जैसे कि आपको पता ही है जो हमारी घड़ी घड़ी होती है वो उसका जो डायल होता है यानी कि जिस पे पूरी घड़ी सेट होती है ना, जो उसका बाहर का जो आवरण होता है वो बहुत अलग अलग प्रकार से आप आज के टाइम में देख रहे होंगे। कहीं कहीं पे आपको सर्कल मिलेगा, कहीं कहीं पे इसमें चार कोने वाला मिलेगा। कभी कभी देखा होगा आपने घड़ी, इस प्रकार की भी आज के टाइम में घड़ी चल रही है, दिल के आकार की घड़ी। तो जो हमारी जो मूल वॉच थी वो कैसी होती है, वर्त में, यानी कि सर्कल में जो घड़ी होती है ना वो हमारी मूल घड़ी होती है। उसके ऊपर हम बात करेंगे, ऐसी घड़ी नहीं हमें देखनी है, ठीक है, तो हम देखेंगे इस घड़ी को। तो इस घड़ी में आपको पता है घड़ी जो होती है हमारी 12 पार्ट में अलग अलग डिवाइड होती है, ठीक है, इस प्रकार से, जैसे 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस प्रकार से हमारी घड़ी होती है, ठीक है। और इस घड़ी में आपको पता दो सुई आपको देखने को मिलेगी, एक तो जो बड़ी सुई होती है, एक इसमें जो छोटी सुई होती है। जो बड़ी सुई होती है ना इसे कहते हैं मिनट वाली सुई, और छोटी सुई होती है इसे कहते हैं घंटे वाली सुई। क्या कहते हैं? घंटे वाली सुई। तो सबसे पहले हम जो घंटे वाली सुई है इसकी बात करेंगे, फिर मिनट वाली सुई की बात करेंगे, फिर यहीं से ही एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जहां से हम दो सुइयों के बीच कोण निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम घंटे वाली सुई का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद मिनट वाली सुई का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये है घंटे वाली सुई, छोटी सुई होती है वो कैसी होती है? घंटे वाली सुई। तो ये घंटे वाली सुई यहां से घूमना शुरू करेगी तो कितने घंटों में घूमकर अपने मूल स्थान पर आती है? घंटे वाली सुई अपने स्थान से चलकर पुनः अपने स्थान पर कितने घंटे में आती है? तो देखो, 12 से चलना शुरू किया तो 12 से कहां जाएगी? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 बजेंगे, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जो घंटे वाली सुई है जो अपनी दूरी तय करती है, जो अपना विस्थापन, घड़ी में इसको दूरी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं विस्थापन। जो घंटे वाली सुई अपना विस्थापन तय करती है ना, तो करती है 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो 12 घंटे में ये कितने डिग्री का कोण तय करती है? 12 घंटे में ये कितने डिग्री का कोण तय करती है? तो हमें पता, जब यहां से चली इस प्रकार से घूमकर यहां पर आ गई तो कितने डिग्री का कोण तय किया उसने? तो उसने तय किया 360 डिग्री का कोण। कितने का तय किया उसने कोण? जैसे आप मैथ पढ़ोगे ना, जब आप वर्त को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हो, सपोज करो यहां से आपने चलना प्रारंभ, कितने डिग्री का कोण हुआ? 90 का। फिर कितने का हो गया? 180 का। फिर कितने का हो गया? 270 का। फिर कितने का हो गया? 360 का। तो जहां से चले और वहीं पे आने में, यानी कि एक वर्त का चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण तय किया उसने? 360 का। तो इसी प्रकार जो घंटे वाली सुई होती है ना, ये 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय करती है? 360 डिग्री का। समझ में आया? तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय किया? 360 डिग्री का। तो जब इसने 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण तय किया तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण तय करेगी? तो एक घंटे में तय करेगी 360 को यदि हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक घंटे में निकल के आएगा हमारा 12 × 36। तो एक घंटे में कितना? 30 डिग्री का कोण। तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण तय किया उसने? यानी कि जब सुई 12 से 1 पे जाएगी ना, तो जो 12 से 1 के बीच में इस घंटे वाली सुई ने 30 डिग्री का कोण बनाया। कहने का मतलब ये हुआ, अभी ये सुई 12 पे है, 12 से फिर ये सुई कहाँ जाएगी? 1 पे जाएगी। तो जो इसके बीच का जो एंगल है ना, ये कितने डिग्री का है? ये है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो आपसे कभी पूछ लिया कि घड़ी एक घंटे में कितने डिग्री का कोण तय करती है, या घंटे की सुई एक घंटे में, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घंटे में या दो घंटे में? अभी तो एक का देखो, एक घंटे में कितने की तय कर रही? 30 की। दो घंटे में 60 डिग्री, तीन घंटे में 90 डिग्री, चार घंटे में 120 डिग्री, इस प्रकार से हमें पता है। और हमें एक चीज और पता है, एक घंटे में होती है 60 मिनट,
इन 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय किया इसने, 30 डिग्री का, और 60 एक मिनट में होती है 60 मिनट, तो हम एक मिनट का भी निकाल सकते हैं यहां से, तो एक मिनट में कितना करेगी 30 बटे 60 बराबर, एक मिनट बराबर कितनी होगी 1/2 डिग्री का कोण। तो जो घंटे वाली सुई होती है वो एक घंटे में 30 डिग्री तथा एक मिनट में आधा डिग्री कि क्या करती है, कोण बनाती है। यदि पूछ लिया कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आधे डिग्री का, और एक घंटे में 30 डिग्री का। तो ये आपको दो कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखने हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक घंटे में 30 डिग्री और एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, कौन सी, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, ये तो कौन सी है, घंटे वाली सुई, जो क्या करती है ऐसी दूरी तय करती है। फिर हमें पता है घंटे वाली सुई का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा, अब बात करते हैं मिनट वाली सुई। ये बड़ी सुई जो होती है ना, इसमें होती है मिनट वाली सुई। जिस प्रकार घंटे वाली सुई 12 घंटे में क्या करती थी, एक बार चलती थी, लेकिन जो मिनट वाली सुई होती है वो क्या करती है, चलेगी यहां से एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, पांच मिनट, छह मिनट, सात मिनट, इस प्रकार से 30 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट में अपने मूल स्थान पे आ जाएगी। यानी कि यदि मिनट की सुई ने 12 से चलना प्रारंभ किया ना, तो 60 मिनट में वो दोबारा से कहां पे आएगी, 12 पे आएगी। तो जो मिनट वाली सुई होती है, अब समझो मिनट वाली सुई का कॉन्सेप्ट, तो जो मिनट वाली सुई होती है वो अपना एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है, तो मिनट वाली सुई करती है 60 मिनट में अपना एक चक्कर, कितने मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, तो 60 मिनट में घूमती है 360, 60 मिनट में कितनी घूमी, 360, तो एक मिनट में कितनी घूमेगी, तो एक मिनट में घूमती है 360/60 यानी कि 6×36 यानी कि एक मिनट में घूमती है 6 डिग्री। घंटे वाली सुई एक घंटे में कितनी घूमी थी, 30 डिग्री। घंटे वाली सुई ने एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का, और एक मिनट में कितने का बना रही थी घंटे वाली सुई, आधे डिग्री का कोण। तो ये तो थी घंटे वाली सुई की बात, और ये है मिनट वाली सुई, ठीक है। तो मिनट वाली सुई क्या करेगी, 60 एक घंटा मान लो या 60 मिनट, 60 मिनट में क्या करेगी, 360 डिग्री का कोण तय करेगी। तो एक मिनट में कितने का तय किया उसने, 360/60, तो एक मिनट में तय करती है 6 डिग्री का कोण। तो जो मिनट वाली सुई होती है ना, वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो एक मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण। और घंटे वाली सुई एक घंटे में 60 डिग्री का कोण बनाती है और एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो इतनी बात तो आपकी समझ में आई होगी। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये क्या है, इसे कैसे समझे। तो इसे समझने का एक तरीका है, इसे समझने का एक तरीका है, इसको मैं रब कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं दोबारा से। तो यहां पे लिख देते हैं घंटे वाली, पहले लिखते हैं घंटे वाली सुई, तो उसके दो कॉन्सेप्ट निकले थे, एक घंटे में, तो एक घंटे में कितनी चल रही थी ये, एक घंटे में बनाया था 30 डिग्री का कोण, और एक मिनट में आधे डिग्री का कोण। और मिनट वाली सुई ने क्या किया था, मिनट वाली सुई बना रही थी एक मिनट में 6 डिग्री का कोण। आपको ये दो कॉन्सेप्ट अभी ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहीं से ही फॉर्मूला निकल के आएगा। फॉर्मूला में कुछ नहीं है, बस इनसे ही बना हुआ है कॉन्सेप्ट, इनसे ही बना हुआ है। देखो कैसे, कोण क्या होता है, कोण या विस्थापन क्या होते हैं। सपोज करो ये कोई दूरी है, ये कोई दूरी है,
ये इस दूरी का प्रारंभिक बिंदु है, ये इस दूरी का अंतिम बिंदु है, ये कोई एक दूरी है, ये इस दूरी का प्रारंभिक बिंदु है, ये इस दूरी का अंतिम बिंदु है। यहाँ पे दो व्यक्ति है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो कुल दूरी है ये है 80 किलोमीटर की दूरी। सपोज करो ये कितनी है 80, तो यहां कितनी होगी, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है ये है 0 किलोमीटर, तो 0 किलोमीटर से यहां तक की कुल दूरी कितनी होगी 80 किलोमीटर, कितनी होगी 80 किलोमीटर, क्या होगी कुल दूरी होगी, ठीक है। अब यहां पे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए एक व्यक्ति बी, यहां पे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए एक व्यक्ति बी। अब सबसे पहले ए ने चलना प्रारंभ किया, ए चला इस प्रकार से, ए यहां पे आके थक गया और आके रुक गया, तो ए ने दूरी तय की 20 किलोमीटर की, ए ने कितनी दूरी तय की 20 किलोमीटर की। फिर बी ने चलना प्रारंभ किया, बी यहां से चला और इस प्रकार से गया, बी यहां जाके क्या हो गया थक गया, बी चला 40 किलोमीटर की, बी कितनी चला 40 किलोमीटर की। तो जो इनके बीच की ये दूरी है, बी कहां तक गया था 20 किलोमीटर, ए गया था 20 किलोमीटर तक, बी गया था 40 किलोमीटर तक, जो इनके बीच की ये दूरी है इस दूरी को ही कहते हैं कोण, इस दूरी को ही क्या कहते हैं कोण। यानी कि एक कितना गया 20 किलोमीटर तक, बी कितना गया 40, तो जो 20 और 40 के बीच में जो ये इनके बीच में एंगल बन रहा है ना, ये जो विस्थापन हुआ इनके बीच, इसे ही कहते हैं कोण, इसे क्या कहते हैं कोण बोलते हैं। तो ये कोण आप कैसे निकाल लोगे, तो आप ऐसे निकाल लोगे ना कि बी के द्वारा चली गई कुल दूरी, कैसे निकाल लोगे, ऐसे निकाल लोगे, ए द्वारा चली गई कुल दूरी माइनस बी द्वारा चली गई कुल दूरी, इससे क्या निकाल लोगे, आपको ए द्वारा चली गई कुल दूरी और बी द्वारा चली गई कुल दूरी, इनके बीच का जो अंतर होगा उसे ही कहते हैं विस्थापन, क्या बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन कितना है, तो बी तो चला 40 किलोमीटर, तो ए चला 20 किलोमीटर, इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर है 20 किलोमीटर। इसी प्रकार से जैसे आपने निकाल दी ना कि ए द्वारा चली गई दूरी बी द्वारा, इनके बीच में कितना अंतर है 20 किलोमीटर, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है हमारी घड़ी। वो कैसे, देखो वो ऐसे, वो इस प्रकार से देखो, सपोज करो ये घड़ी, ये घड़ी की है यहां पे 12, 6, 3, 9, ये घड़ी की घंटे वाली सुई है, ये घड़ी की मिनट वाली सुई है, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, तो देखो अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, घंटे वाली सुई का मुंह किधर है 3 पे है, और मिनट वाली सुई का मुंह किधर है 5 पे है, तो घड़ी में क्या समय हो रहा है, तो घड़ी में हो रहा है 3:25, 3:25। तो इनके बीच में आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इस एंगल को ही कहते हैं दो सुइयों के मध्य विस्थापन, इसे क्या कहते हैं दो सुइयों के मध्य विस्थापन, और दो सुइयों के मध्य जो विस्थापन होता है उसे कहते हैं दो सुइयों के बीच का कोण, दो सुइयों के बीच का कोण। क्या कहते हैं, दो सुइयों के बीच का कोण। जब दो सुई चल रही है अपनी दूरी पे घूम रही है, तो उनके बीच में क्या हुई, एक दूरी बनी होगी, उस दूरी को कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। जब दो सुइयों के बीच विस्थापन होता है ना, तो उसे ही बोलते हैं दो सुइयों के बीच का एंगल या दो सुइयों के बीच का
कोण, यही कोण हमें निकालना है, यही कोण हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसे कैसे निकाल लेंगे, देखो कैसे निकाल लेंगे, इसको मान लो 3:20 अब हम देखेंगे कैसे एंगल निकाल लेंगे। 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा कि 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो आप इसे कैसे निकाल लोगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है। तो यहीं से ही आपसे पूछेगा कि 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना है, तो उसे कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम घंटे वाली सुई को देखेंगे, उसके बाद मिनट वाली सुई को देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले घंटे वाली सुई फिर मिनट वाली सुई। क्या पूछा उसने, 3:20 पर कौन पूछा, तो बताओ घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री घूम रही थी, एक घंटे में 30 डिग्री, कितनी एक घंटे में कितनी घूमी, 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री, 3 घंटे में 90 डिग्री, 4 घंटे में घूमती 120 डिग्री। यानी कि एक घंटे में जब 30 डिग्री घूम रही है तो 3 घंटे में कितनी घूमेगी, 90 डिग्री, तो 90 प्लस 1 मिनट में कितनी डिग्री घूम रही थी वो घंटे वाली सुई, तो 1 मिनट में घूमी थी 0.5 डिग्री। 1 मिनट में कितनी घूमी, 0.5 डिग्री, तो 20 मिनट में कितनी घूमेगी, तो 1/2 × 20 यानी कि 10 डिग्री। इसके बीच आपको घटाना होगा। फिर है मिनट वाली सुई की बात करते हैं, 1 मिनट में कितनी घूमती है, 6 डिग्री। जब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है तो 20 मिनट में कितनी घूमेगी, तो 20 × 6 = 120। 20 × 6 = 120, ठीक है। तो अब आपको एक काम करना है, देखो ये जो बीच में सिंबल है ना एस टाइप का, आपको ये सिंबल इस चीज का है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटाना है। जब मैंने इसको ऐड किया तो 90 × 1, 90 × 10 = 100, ये सिंबल 120। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से सही घटाना है, जो बड़ी है उसमें से छोटी को घटाना है। तो बड़ी क्या है, 120, 120 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो निकल के आया 20 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 20 डिग्री का कोण। तो यही से ही आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा होगा, तो यही से ही जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो फॉर्मूला बनता है, वो बनता है 30H + m/2, इसके बाद ये सिंबल है इस प्रकार का, फिर इसके बाद जो अगला वो बनता है इसमें m × 6, जितनी मिनट दिए होंगी × 6, ये आपका फॉर्मूला है। देखो ये क्या है, आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप इसे कैसे करोगे, देखो उसने कहा 3:20, 3 क्या है घंटे है, 20 क्या है मिनट है, तो उसमें क्या लगना आपको, 30 × h, घंटे कितने हैं 3, मिनट कितनी है, प्लस 20 को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड, ये चिन्ह m, m कितनी मिनट दी इसने, 20 × 6, 30 या 90, प्लस जब इसे डिवाइड करोगे 10, चिन्ह 120। 100 में से जब आप 120 में से 100 को घटाओगे तो आएगा 20 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 20 डिग्री का। तो 3:20 में दो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बनता है 20 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनता है, 20 डिग्री का कोण, ठीक है। इस प्रकार वो आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा, उसने पूछ लिया 4:10 पर
4:10 पर दोनों सुइयों के मध्य विस्थापन कितना होगा, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का विस्थापन होगा, कितने डिग्री का विस्थापन होगा। तो कितने डिग्री का विस्थापन, यदि आपको विस्थापन भी देना तो इस विस्थापन का मतलब भी है कि हमें दो सुइयों के बीच का क्या निकालना है, कोण। जब दो सुइयों के बीच का आपको कोण या एंगल निकालना है तो फॉर्मूला मैंने आपको समझाई दिया। घंटे की सुई क्या करती है, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 30×h+ और मिनट वाली सुई क्या करती है, घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो m/2 सिंबल के बाद minute×6, क्योंकि मिनट वाली सुई क्या करती है, एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो जितनी मिनट देंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। उससे पहले minute/2 घंटे×डिग्री×घंटे, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप किसी भी उसमें लगा देना, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, उसने कहा 4:10 पे कितने डिग्री का कोण होगा, तो सबसे पहले 30, ये क्या है, इसे कहेंगे घंटे यानी कि एच, इसे कहेंगे मिनट, तो एच का मान क्या दिया 4, प्लस मिनट का मान क्या दिया 10×2, मिनट का आधा कर देना सिंबल, मिनट कितनी है 10×6 = 12 यानी कि 30×6=120, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5×60, ये कितना हो गया 125 जब एक, आपको पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, जब आप 125 में से 60 घटाओगे तो निकल के आएगा 65 डिग्री, कितना निकल के आएगा 65 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं। और देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चन इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है यही पे ही इसने लिखा हुआ है, 5:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का विस्थापन होगा या कोण होगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। फॉर्मूला आपको बताइए, 30h+ मिनट को डिवाइड कर देना 200×m/6, तो क्या दिया 5:20 यानी कि 30×घंटे, एच का मान क्या दिया 5 + मिनट कितनी दी 20, मिनट को यदि आप डिवाइड करोगे तो 20×2 मिनट का मान कितना है 20, कितने से मल्टीप्लाई करना है 6 से, कितना हो गया 30×5=150, जब आप इसको डिवाइड करोगे 10×10^120, जब 150 में 10 जोड़ोगे तो 160×120, 160 में से 120 घटाओगे तो आपके सामने आएगा 40 डिग्री, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो एंगल बनेगा 40 डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 40 डिग्री का। बताओ दो सुइयों के बीच एंगल निकालने में कुछ प्रॉब्लम है, कभी नहीं होने की। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। सपोज करो 2:10 पे दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो 2:10 पे दो सुई, देखो फॉर्मूला याद होगा तो धरोगे 30×h का मान 2+ को आप 2 से करोगे तो आपके सामने आएगा 10, इसके बाद मिनट को 2 से 6 से गुणा करना है 10×60, 30×60+10 एंगल 60×1=70, बड़ी में से छोटी घटा देनी है 10 डिग्री। तो 2:10 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, तो 2:10 पे दोनों सुइयों के बीच 10 डिग्री का एंगल होगा। अब इसी प्रकार आपको 5-7 क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसे 6:45 पे, 8:42 पे, 11:22 पर, 6:33 पर और 5:49 पर, 1:53 पर। ये आपके सामने 1
दो तीन चार पांच छह क्वेश्चन है इस प्रकार से। आपको बताना है 6:45 पे दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, 8:42 पे कितने का एंगल होगा, 11:22, 6:33, 5:44, 1:53 पे दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। तो ये तो आज की क्लास थी हमारी, दो सुइयों के बीच का हमें कोण निकालना है। तो कोण निकालने का ये एक फॉर्मूला है, नोट करना, और इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।